जालिम सास बेचारी बहू। एक सुंदरपुर नाम के शहर में शीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको एक बेटा था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश बहुत ही होनहार था। वह एक बड़े कंपनी में काम किया करता था। एक दिन सुरेश एक फूल वाले की दुकान पर गया। उसे ऑफिस कार्यक्रम के लिए बुके लेना था, इसीलिए वह बुके लेने के लिए एक दुकान के सामने खड़ा रहा। वहाँ उसने एक बुके देख रखा था। तभी उसने सामने देखा तो एक लड़की उससे पूछ रही थी, साहब आपको ये वाला पसंद आया है तो पैक कर दूं? हाँ, ये वाला पैक करके दो। कितने रुपए हुए आपके? साहब 300 रुपए हुए। ये लो तुम्हारे पैसे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। मैं यहाँ फूल बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से बुके लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। मगर उसके दिमाग में रेशमा के बारे में विचार आने लगे। वह सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन रेशमा की दुकान पर सुरेश ऐसे ही फूल लेने गया। तब उसे रेशमा दिखती है। वह एक फूल खरीदता है और रेशमा को देता है। तभी सुरेश रेशमा से, रेशमा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं कहा गरीब और आप अमीर, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इन सब बातों को नहीं मानता, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आपके घर वाले मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? मेरी माँ इस शादी को नहीं मानेंगी, मगर मैं शादी करके घर चला जाऊंगा तो वो हमें स्वीकार कर लेगी। सच में ऐसा होगा? हाँ। तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुरेश ये सब सुनकर अगले महीने शादी करने का निश्चय करता है। तभी रेशमा और सुरेश एक दूसरे को समझ लेते हैं। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वह मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद सुरेश कहने के मुताबिक उसे अपने घर लेकर चला जाता है। उसकी माँ उसे देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। मगर उसके साथ लड़की देख उससे पूछती है, अरे सुरेश ये कौन है तुम्हारे साथ? माँ ये रेशमा है, मैंने इससे शादी कर ली है, अब ये इस घर की बहू है। ये क्या कह रहे हो बेटे, मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे रिश्ते देख कर रखे थे और तुमने इस गरीब से शादी कर ली? माँ आप इसे कुछ मत कहिए, मैंने मेरे मर्जी से इससे शादी की है, आप इसको कुछ नहीं बोलोगी? और रहा सवाल गरीबी का, तो मैं सिर्फ इंसान देखता हूँ, पैसा नहीं। उसकी ये बातें सुन शीला, ठीक है बेटा तुम कह रहे हो तो मैं इसे अपनी बहू मान लेती हूँ, मगर इसे हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। मैं सीखूंगी माँ जी। ऐसा कहकर सुरेश और रेशमा अपने कमरे में चले जाते हैं। अब अगले दिन रेशमा अपने घर में किचन में खाना बनाती है। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है और घर के सारे काम कर लेती है। उसके साथ शीला को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अब एक दिन शीला रेशमा से, अरे रेशमा मेरे लिए जरा चाय लेकर आना। जी माँ जी अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा उन्हें चाय लेकर आती है। चाय लाने में थोड़ी देर हो जाती है तो शीला उसे कहती है, अरे बहू चाय बना रही हो या खीर बना रही हो? नहीं माँ जी ये देखो मैं ले आई। शीला चाय पीकर देखती है तो उसे चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, मगर बहू को कुछ बुरा भला कहने के लिए उसे कहती है, अरे बहू चाय तो ढंग से बनाया करो, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। माँ जी मैं दूसरी बना कर लाऊ? नहीं रहने दो, यही रह गया था, डबल चाय बनाओ और मेरे बेटे के पैसे खर्च करो। रेशमा कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद रेशमा किचन में काम करने के लिए निकल जाती है। उस दिन शीला रेशमा के लिए बहुत सारे कपड़े धोने के लिए निकालती है। तभी, बहू ओ बहू सुनती हो, यहाँ कपड़े पड़े हैं धो देना। रेशमा वहाँ आकर देखती है तो वहाँ इतने सारे कपड़े पड़े होते हैं। उन्हें देख रेशमा अपनी सास से, हाँ माँ जी मैं धो दूंगी अब चिंता मत करिए। ऐसा कहकर रेशमा अपना घर का काम निपटाकर 3 बकेट कपड़े धो डालती है और उसे सुखाने के लिए टेरेस पर चली जाती है। थोड़ी देर में रेशमा कपड़े सुखाकर आ जाती है। अब नीचे आकर उसके सास ने बाहर से टहलकर आने के बाद पैर साफ नहीं किए और वैसे ही घर भर घूमती ही रही। ये देख रेशमा समझ गई कि माँ जी जानबूझकर ऐसे कर रही है। ये देख शीला रेशमा से, अरे बहू घर देखो कितना गंदा हो गया है, देखो जरा इसे जल्दी साफ करो। जी माँ जी अभी कर देती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा अपना घर साफ कर देती है और सबके लिए खाना लगाने के लिए किचन में आ जाती है। खाना जल्दी जल्दी गर्म करके परोसती है। सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रेशमा सबको खाना परोसती है। तब सुरेश बोलता है, रेशमा खाना बहुत अच्छा बना है। रेशमा ये सब देख मुस्कुराई,
मगर शीला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह मन में कुछ सोचकर खाना खा लेती है और सोने चली जाती है। अगले दिन रेशमा खाना बनाती है और कुछ काम याद आने की वजह से किचन से बाहर चली जाती है। और तभी शीला किचन में आकर सब्जी में बहुत सारा मिर्च पाउडर डाल देती है और दूसरी सब्जी में बहुत सारा नमक डाल देती है। ये सब डालने के बाद शीला किचन से बाहर जाकर हॉल में बैठ जाती है। अब शीला रेशमा से बोलती है, अरे बहू, ओ बहू, आज खाना नहीं बनाया क्या? बनाया है ना माँ जी, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी सुरेश आएगा, उसके साथ ही खाना खाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर शीला हॉल में पेपर पढ़ रही थी, तभी थोड़ी ही देर में सुरेश घर आ गया। उसे देख रेशमा, अजी आप आ गए, माँ जी कब से आपका खाने पर इंतजार कर रही है। अच्छा तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश फ्रेश होने चला जाता है। तभी रेशमा सब खाना गरम करके टेबल पर लगा देती है और खाना परोसती है। तभी रेशमा उसकी सास को आवाज देती है, माँ जी आइए, खाना लगा दिया है। हाँ आई। ऐसा कहकर शीला मन ही मन मुस्कुराई और खाना खाने टेबल पर आ गई। अब सुरेश भी आ गया। अब दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी शीला एक निवाला खाती है तो उसे सब्जी बहुत तीखी लगती है। वह उसे वही थूकती है। थू 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 थू, अरे ओ कमबख्त, अभी मानना चाहती हो क्या तुम मुझे? क्या हुआ माँ जी? अरे खाने में क्या मिलाया है तुमने, इतना तीखा, और ये सब्जी तो मैं खा भी नहीं सकती। अरे माँ ऐसा क्यों कह रही हो, रेशमा खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। अरे तू भी खा के देख फिर बोल। सुरेश एक निवाला खाता है तो एक ही मिनट में वह निवाला बाहर निकाल डालता है और रेशमा से बोलता है, अरे रेशमा तुमने आज खाना कैसे बनाया है, इतना तीखा और इतना नमक खाने में कोई डालता है क्या? अजी मुझे सच में नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने कम ही नमक डाला था। रेशमा अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? ऐसा खाना बनाओगी तो माँ तुम पर और गुस्सा हो जाएगी। जी अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा ये खाना डाल दो और दूसरा खाना जल्दी बनाओ, मैं बाहर हूँ। जी मैं अभी बनाती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा किचन में जाकर खाना बनाती है, मगर मन में सोचती है कि ये कैसे हुआ, मैंने तो नमक और मिर्च पाउडर सही तरीके से डाली थी, ये कैसे हो गया। रेशमा अब जल्दी जल्दी में खाना बना लेती है और खाना बनाकर सबको फिर से बुला लाती है। तभी सारे खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खा लेते हैं। सबको खाना खाते देख रेशमा बहुत खुश हो जाती है। वह सुरेश से, अजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझा और फिर से खाना खाने के लिए आ गए। अरे आते कैसे नहीं, खाना नहीं खाते तो भूखा ही सोना पड़ता। ऐसा कभी हो सकता है भला, मैं आप दोनों को भूखा सोने दूं? चलो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम तुम्हारा काम जल्दी खत्म करो और आ जाओ। जी मैं काम खत्म करके आती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा किचन का काम करने चली जाती है। सुरेश भी सोने के लिए चला जाता है। शीला भी सोने चली जाती है और मन में बहुत खुश हो जाती है। शीला मन ही मन में, आज कैसे सबक सिखाया है रेशमा के बच्ची को। ऐसा कहकर शीला खुशी खुशी सो जाती है। अगले दिन शीला घर में बैठी थी तो उसके घर में एक दूर की रिश्तेदार सुमन आती है। कोई है घर में? अरे सुमन आओ ना, कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारे ही काम से आई हूँ। ये देखो लड़की, तुम्हारे बेटे के लिए बहुत पैसे वाली है और ढेर सारा दहेज भी मिलेगा। अरे उसका अब क्या फायदा? क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे मेरे बेटे ने छुपके से शादी कर ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे शीला देखो, अगर तुमने तुम्हारी बहू को इस घर से निकाल दिया तो तुम लाखों रुपए की मालकिन बन सकती हो और तुम्हारे बेटे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी चलती हूँ। जी। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और शीला दिन भर उस बारे में सोचती रहती है। तभी रेशमा कपड़े सुखाने के लिए टेरेस पर चली जाती है तो शीला के दिमाग में एक विचार आता है और शीला खुद से, इस रेशमा के बच्ची को अगर मैं छत से धक्का दे दूं तो किसी को खबर भी नहीं होगी और मुझ पर नाम भी नहीं आएगा। ऐसा सोचकर शीला छत पर चली जाती है और देखती है कि रेशमा कपड़े सुखा रही है। तभी शीला उसे धक्का देने ही वाली थी कि रेशमा कपड़े डालने के लिए दूसरे बाजू चली जाती है। शीला जोर से आने की वजह से पैर फिसल कर नीचे गिर जाती है, उसे बहुत चोट आ जाती है। तब रेशमा उनके पास जाकर, अरे माँ जी आप कैसे गिर गई, उठिए मुझे हाथ दीजिए। शीला दर्द से बहुत तड़प रही थी, वैसे ही उसने रेशमा को हाथ दिया। पड़ोसियों की मदद से रेशमा ने उसकी सास को अस्पताल लेकर आई और उनका अच्छी तरह से इलाज करवाया।
उनके हाथ पैर टूट गए थे, सभी जगह प्लास्टर बंधा हुआ था। तभी शीला मन में सोचती है, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरे इतने सताने के बाद भी देखो मेरी कितनी सेवा कर रही है। मैं गलत थी, मैंने अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दी। तभी शीला सुरेश से, सुरेश मेरी बहू हीरा है हीरा, आज वो नहीं होती तो मेरा क्या होता। माजी आप ऐसा मत कहिए। माँ तुम अब आराम करो, बातें बाद में होती रहेगी। नहीं रे सुरेश, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, मगर मैं गलत थी। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी सब बातें मानती है और उसके बदले में उफ भी नहीं करती। ऐसा कहते कहते शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रेशमा वह आंसू पोंछती है। माजी आप आराम करिए, रोइए मत, मैं यही हूँ, ठीक है। अब शीला कुछ दिनों बाद घर आ जाती है, तब रेशमा उसकी बहुत सेवा करती है। अब रेशमा और शीला खुशी खुशी रहने लगे थे, ये सब देख सुरेश भी बहुत खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, भगवान उसके साथ वैसा ही करते हैं। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।